शुक्रिया। ओ भाई ये जरा मामा मुझे कैप्चर करें, मुझे पापा को जरा दूर से। ये असल ईद, असल ईद ही है, असल ईद ही है, चाहे हजार पे मगर मिल के बहुत करीब है। ईद मुबारक। मेरी तरफ से आई एम अ सो लेट कमर राइट नाउ कि सब आ गए थे, शुगर मेरा सारा हो गया था, ईदियाँ सारी बड्डी थी मेरी उसी मासी लुक के अंदर। और अब एट लास्ट पता नहीं कितनी दो बज रहे हैं। मैं एक घंटे के अंदर रेडी हो गई हूँ, ठीक है। एंड दिस इज माई कम्प्लीट लुक राइट नाउ, इसको अभी हम अच्छे से कैप्चर करवाएंगे। तो अब आप लोगों की ऐसे करते हैं, एक एक करके सदस्य से जो है मुलाकात करवाते हैं, ठीक है। आ तो हमारे घर सारे गए हैं इस टाइम, अगर मैं थोड़ा सा हकला आ जाऊँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरी जुबान पे निकला हुआ है एप्थस अल्सर छाला, जिसको उर्दू में बोलते हैं, तो उसकी वजह से मुझे बोला नहीं जा रहा। तो पहले हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के पापा? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। ईद तो हमें पहले मिली थी लेकिन मैं रेडी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने कैप्चर नहीं किया ब्लॉग। और हमारी दो दो ब्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले एक क्लिप दिखाओ कि मेरे बाल कैसे आ रहे हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम यार, आके मिल लो यार, ईद मिल ले। अच्छा जी, अब आपसे तीन अदद हसीन लड़कियों से मुलाकात करवाते हैं। मैंने डाल देना। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मिलना नहीं है, इतने अखलाक नहीं है इनके अंदर कि अब मैं चलो तैयार हुई तो मिल लूँ। ईद मुबारक, ईद की किरण की पेंडिंग है, आई नो दैट, इसीलिए थोड़ा मूड डाउन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? मैंने बोला कि मेरा मूड खराब है। गर्ल्स आर सपोज्ड टू बी मटेरियलिस्टिक एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आओ मम्मा और पापा से हम अब ईद मिलने चलते हैं। ओ भाई लड़की रहे हो, अस्सलाम वालेकुम। तो जी एटलीस्ट पापा जी आप अपने बाल तो ठीक करें, ऐसे ऐसे करें ना ऊपर, ऐसे ऐसे करें, ये चीज ये बेस्ट हो गया। दादी हमदान खाला ईद मुबारक। पहले इनसे मिल ली है, ईदी सीधी दे दी है इनको, लेकिन अभी लेट हुई है। और हमारी आंटी, आंटी उठ जाए जरा, मैंने लंबी हील पहनी हुई। अच्छा मुझे सबसे पहले ईदी जो है वो आंटी देंगी। लाइट नीचे आई हुई, मेरी अम्मा जो है ना उनको अंधेरा बहुत पसंद है। आई फील बेटर पापा, मेरी ईदी ठीक हो? पापा कैसी लग रही हूँ ये तो बता दें। माशाल्लाह नजर ना लग जाए। पापा ये मेरा फुल लुक किस ये सारी दुनिया देख सकती है। नहीं हो कड़ी हो सीधी हो, इतने भी नहीं हो, ये देखो। चलो जी ये बिस्मिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देख देख क्या छुपा रहा है। आप भी दे रही हैं? ओए मेरे बहुत थक गया। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया शुक्रिया। ओ भाई ये जरा मामा मुझे कैप्चर करें, मुझे पापा को जरा दूर से। ये असल ईद ही है, असल ईद ही है, चाहे हजार पे मगर मिल के बहुत करीब है। ईद मुबारक, असल ईद हमारे पापा की है। ये जो है ना ये नो, ये मैंने खर्च नहीं करना, क्योंकि मेरी जेब से ही निकला। ये मैं खर्च नहीं करूंगी बिल्कुल भी। और ये जी हमारी पूरी हीरा जो है ये इस टाइम मैंने पहना फिटिंग, मैंने इसकी रात को आ ली थी, ठीक है। और पंखा चल रहा है, पता नहीं आवाज कैसी आ रही होगी। तो वेयर वी आर, और हीरा और किरण का मूड खराब है, मेरे कैमरा का मूड खराब है, महानूर का भी मूड नहीं है। फट भाई आज इस दफा मैंने जवाब से भी मारनी है, ऐसे तो ऐसे ही सही। अस्सलाम वालेकुम जवाब भैया, मुझे ईदी में आ जाओ, आज आपने मुझे ईदी देनी है बस। बिस्मिल्लाह ये ऐसा होता नहीं है,
बिस्मिल्ला। अच्छा जी, अच्छा पापा का और जवाद का ये जो 1500 नहीं तो मैंने बिल्कुल यूज नहीं करना, लाइक मैंने बिल्कुल यूज नहीं करना, बहुत भाई ये बड़ी मुश्किल से ये 500 रुपया निकला है। ये आसान काम नहीं था निकलवाना, ये आसान। तीन साल हो गए इसकी शादी को, 3 साल में पहली दफा ये 500 रुपया दिया है। ये बटवे पे रखो, बरकत होगी। मैं सोच रही ब्लॉगिंग पहले शुरू कर दे। दीदी वाह, दीदी नहीं दीदी वाह, अब तक तरक्की हो जाती है इसके अंदर। अभी ये रहेगा ना, ये और पैसों को खींचता रहे बस डन है। इसका ये नंबर मैं ये नोट करती हूँ, 339। पापा का और ये जवाब का तो मैंने यूज नहीं करना। पापा ने दिया पापा कह रहे जो बेटी ज्यादा प्यारी लग रही है ना, इससे भी अल्लाह नहीं मानू, नहीं डॉक्टर बनाया और हमें नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिसने पढ़ना था, जिसने बनना था, उसने बन जाना था। मैं खाऊंगी पापा जी, मैं खाऊंगी। बता दो अपना। आई हैव वनीला, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो जी आज सब मैं कुछ खाने लगी हूँ। स्टॉक मेरा काफी ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से बैठने में काफी कष्ट हो रही है, लेकिन अब मैं कुछ खाती हूँ। बहुत ज्यादा फीलिंग सो हंग्री, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, और शाम में मम्मा ने बना के दिए, बहुत मजे किए हैं ये। मजे नहीं मेरी है। A few inches later. सो जी एट लास्ट वी आर हेयर। एट लास्ट क्या, मैं कब से इनका इंतजार कर रही थी कि अब आ जाओ। फोटोशूट सेशन हमारा स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम जी, 4:21 हो रहे हैं, और अब मैं, किरण, फातिमा, हम अपना करने लगे हैं फोटोशूट, और फिर वो जो भी निकलेगा मेहनत कष्ट के बाद वो आपको इंस्टाग्राम पे होगा इंशाल्लाह। चलो भाई किरण, एट लास्ट फोटोशूट हो गया है, और इतनी गर्मी है कि अब बस हो गई है, बस अब घर जाना है और हवा में बैठना है। शुक्र है कि गाड़ी के अंदर कोई जूस पड़ा था जिसने मुझे बचा लिया, बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। रोज़े बहुत अच्छे गुजर गए हैं, बट ऐसे अपडेट सीन हो गया। ओ जी क्या हुआ, मोशन लग गया आपको? क्योंकि आप बहुत खा रहे हो ना। ये मैंने अभी ज्वेलरी उतार दी, कानों में मेरे बहुत दर्द हो रही है इस टाइम। Don't touch this. आपको वॉशरूम वाले नानक के पास जाओ। गो। ये मैंने उतार दिया, और अब मैं अपने चेंज करती हूँ। पिक्चर्स और वीडियोज आ गई हैं, व्लॉग चलो अब हम एडिट करते हैं बैठने। और मानूर आपके क्या हैं, क्या करोगी, क्या सिस्टम है? आप ना पहन लेना, बहुत टाइम बाद में देखने हैवी झुमके पहने इस वजह से जरूरी। मैंने कहा अच्छा मुझे जाओ मेरी बॉक्स ला देते, उसमें मेरी चीज़ें ला दूँ। वो ब्लैक कलर जो बॉक्स पड़े ना वो ला दें। अब छोड़ दो, आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी देर तक कि मानो क्या खाया। मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ मीठा खाऊं। आई वुड हैव आइसक्रीम प्रॉब्ली, बस गला ना ख़राब हो जाए मेरा। या मुझे शेक पीने का दिल करे, चिप्स भी खाने का दिल करे, KFC भी खाने का दिल करे, क्या करूँगी? अभी तो मेरे नहीं बताया, मैं थोड़ा चेंज करूँगी, आई रेस्ट थोड़ा सा, उसके बाद पहनूँगी। आप आ जाओ बेटा, आज तक आप अपने ऊपर पूरा गिरा। तो जी अब हम खाने लगे हैं पिज्ज़ा। पहले पापा आए और पापा ने कहा जी रोटी खा लो, मैंने थोड़ी सी अंडे के साथ ऐसे खा लिए, और अब ये महारानिया साहिबा जो है वो पिज़्ज़ा ले आई है मेरे पास। बहुत ज़्यादा गर्म और यमी लग रहा है, बट मेरे मुंह में जो छाला निकला हुआ ना उसको बहुत लग रहा है। आप तो तड़प ही जाओगी छाला निकला तो। The next day. तो जी ईद का सेकेंड डे, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। अभी आई वॉज जस्ट डूइंग द व्लॉग, तो मैंने देखा कि मैंने तो आप लोगों को टाटा बाय बाय नहीं किया, अल्लाह हाफिज़ ही नहीं किया। तो अभी इसी उजड़ी बस्ती के ही रूप में आप सबको जो है वो ईद का सेकेंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। अभी हमें नहीं पता कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज क्या प्लान है। आज लगता है कोई भी प्लान नहीं, आज का बोरिंग डे जाएगा, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, जो होगा वो आप लोगों को दिख जाएगा। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो
थे मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, आगे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर दे, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखे, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर लास्ट भी फॉलो कर लेना है और मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें। स्टे ट्यून, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।